आज की कहानी का शीर्षक है सास बहू का प्यार। माँ बेटा और बहू तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सीता तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी, कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर में खाली ही तो बैठी रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सीता बोली, आज तो मैं सूजी का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन सूजी घर में नहीं था, मैंने कल ऑर्डर की थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते सीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर टेबल पर बैठते हुए सीता कहती है कि शाम को आलू पकाने के लिए रखे हैं, आलू की टिकिया बनाएंगे। उसके सासू माँ भी यह सुनकर खुश हो जाती है। तभी दरवाजे का बेल बजती है। सीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सीता फिर से टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता तो क्या हो जाता। बेचारी खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस जाने के लिए तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सीता को आवाज़ लगाता है, सीता मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। सीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ऊपर देखो। नितिन कहता है, नहीं मिल रही है। सीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम में नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है, इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। सीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। सीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथ में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। नितिन उल्टा सीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करती रहो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता है। अब माँ और सीता नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो सीता को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था क्या। नितिन फ़ोन निकालकर सीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर तो गई है, आएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ,
दो कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। चाय बनाने के लिए नितिन किचन की तरफ जाने लगता है। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर खुद चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नितिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद नितिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है अच्छा है। काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकाल कर ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। दो घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन दो थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी, आ बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक ले आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन कहती है, अरे बेटा खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह सीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि सीता के मुंह पर कभी उसने शिकन तक नहीं देखी। माँ यहीं नहीं रुकती। खाना खाने के बाद माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर उढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा होता है तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से नितिन परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता है। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है।
और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था। उसे लगता था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है, यानी कि सीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी, या तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिसे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन सीता को देखकर काफी खुश हो जाता है। सीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। सीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का होना चाहिए।